सब्सक्राइब करें डॉक्टर मासूम करीम चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मैं सब डॉक्टर मासूम करीम आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ हमें क्यों होते हैं, कौन सी कारण से हमारे सर पर डैंड्रफ बनते हैं, तो डैंड्रफ के लिए मैं कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन के उपयोग करता हूँ, कौन सी ऑयल जो दोस्तों डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छे काफ़ी बेहतर काम करते हैं, उसी के बारे में दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इस तरह की हेल्थ रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डैंड्रफ जो होता है हमारे सर की स्कैल्प जो होते हैं या हमारे सर की जो चमड़े होते हैं दोस्तों, हमारे शरीर जो है हर दिन जो है डेडली स्किन को निकालते हैं या हर दिन पुराना चमड़ा जो है दोस्तों झड़ जाते हैं और साथ साथ दोस्तों नए चमड़े की इजाद होते हैं। और ये प्रक्रिया इतना स्मूथ और इतने इजी और नेचुरली होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। दोस्तों ये सिर्फ सर के साथ नहीं, ये पूरे शरीर में होते हैं और दोस्तों हमारे त्वचा जो है हमारे जो त्वक है खूबसूरत रखते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया दोस्तों अगर सर के में बाल की कारण या दोस्तों डेडली जो चमड़े हैं या डेडली स्किन की मात्रा अगर हमारे सर में बढ़ जाते हैं तो डेडली स्किन की मात्रा बढ़ने के कारण देखते हैं कि दोस्तों हमारे जो सर बहुत ही गंदे हो जाते हैं, तो दोस्तों फंगस की शिकायतें होते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली होते हैं, खुजली के कारण देखते हैं दोस्तों हमारे जो रूसी या दोस्तों डैंड्रफ निकल आते हैं या देखते हैं कि उसमें बास भी निकलते हैं या दोस्तों देखते हैं कि कुछ कारण या बहुत ही ज़्यादा खुजली के कारण उसमें रैशेस या दोस्तों बास निकल जाते हैं और हमेशा खुजलाते रहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं जो हमेशा तीन होम्योपैथी मेडिसिन उपयोग करता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है डैंड्रफ को ठीक करने में, या दोस्तों अगर सर में कोई फंगस की शिकायत हो या खुजली की शिकायत हो, हमेशा ईचिंग रहती इस तरह की अगर समस्या हो, अगर हमेशा देखते हैं कि बास भी निकलते इस तरह की समस्या के लिए मैं तीन होम्योपैथी मेडिसिन जो हमेशा यूज़ करता हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, मैंने बहुत सारे पेशेंट को इस हालत से ठीक किया है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं मैं कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन जो है मैं हमेशा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो मेडिसिन मैं हमेशा देता हूँ वो है मेजेरियम। दोस्तों मेजेरियम जो मेडिसिन है अगर सर में किसी भी कारण चाहे वो डैंड्रफ के कारण हो या देखते हैं कि उसमें रैशेस निकलते हैं, उससे खुजलाते खुजलाते देखते हैं खून भी निकल जाते हैं या जो रैशेस होते हैं दोस्तों वो रेड कलर के होते हैं, थोड़ा फूला फूला रहते हैं, तो दोस्तों उस टाइम मेजेरियम जो मेडिसिन है काफ़ी अच्छे काम करते हैं। साथ साथ दोस्तों मैं दूसरे जो मेडिसिन हमेशा देता हूँ दोस्तों ग्राफाइटिस। दोस्तों ग्राफाइटिस में हम क्या देखते हैं कि अगर आप जो है खुजलन के कारण थोड़ा बास निकलते हैं या पानी टाइप्स के कुछ निकलते हैं या खून भी निकल जाते हैं, इतना खुजली रहते हैं, तो दोस्तों उस टाइम ग्राफाइटिस जो मेडिसिन है काफ़ी अच्छे काम करते हैं। दोस्तों साथ साथ मैं देता हूँ हमेशा सल्फर। दोस्तों सल्फर जो मेडिसिन है ये खुजली के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, चाहे कोई भी जगह खुजली की शिकायत हो सर हो, तो दोस्तों सल्फर भी ये बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। तो दोस्तों मैं तीनों मेडिसिन हमेशा देता हूँ सर में अगर स्कैल्प में अगर खुजली बने रहते हैं, डैंड्रफ की शिकायत है, जो कि काफ़ी अच्छे काम करते हैं इन तीनों मेडिसिन। दोस्तों साथ साथ में एक हमेशा एक ऑयल की उपयोग करता हूँ जो कि काफ़ी अच्छे काम करते हैं, वो ऑयल है B&T एंटी डैंड्रफ ऑयल। दोस्तों B&T एंटी डैंड्रफ ऑयल जो है मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे काम करते हैं ये ऑयल। अगर आपको सर की स्कैल्प पे अगर देखते हैं कि डैंड्रफ की शिकायत बहुत ही ज़्यादा है, आप इसके ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ऑयल से आप दोस्तों बिल्कुल अपने जो है स्कैल्प में जो डैंड्रफ बनते हैं उसको ठीक कर पाएंगे। साथ साथ दोस्तों अगर आपको जो है बाल झड़ने की शिकायत आते हैं तो बाल को भी दोस्तों बाल झड़ना भी दोस्तों ये मेडिसिन बंद कर देते हैं। दोस्तों ये ऑयल नहीं है, मेडिसिन है जो कि काफ़ी कुछ मेडिसिन मिला के इस ऑयल को बनाए जाते हैं, काफ़ी अच्छे काम करते हैं। दोस्तों इस ऑयल को लेने की तरीका है आपको जो दिन में दो बार लेना होगा, सुबह जो है आप देखते हैं कि नहाने की एक घंटा पहले आप ऑयल को लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके आप दोस्तों मसाज करते रहें। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे काम करते हैं, आपको जो है नहाने की एक घंटा पहले लेना है। दोस्तों रात में भी आप इस ऑयल को एक बार लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, अगर कम समस्या है हल्के पतले समस्या है तो दोस्तों इस ऑयल को एक बार ही ले सकते हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या है तो दोस्तों इस ऑयल को आप दो बार ही लीजिए, एक बार लीजिए सुबह
नहाने से पहले आप एक बार लीजिए रात में, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं ये ऑयल। दोस्तों इसका कीमत है लगभग 120 रुपये में, आपको सभी बड़े होम्योपैथी मेडिसिन शॉप में ये ऑयल आपको मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छे मदद करते हैं आपके डैंड्रफ की शिकायत को दूर करने में। साथ साथ दोस्तों आपको जो है ग्राफाइटिस, सल्फर, मेजेरियम जो तीनों मेडिसिन है आप 200 पोटेंसी से में लीजिए, मतलब 200 पावर में लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छे काम करते हैं। आपको दिन में दो बार तो बार लेना है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ दो बार लेने की, जो सुबह एक बार लीजिए तीनों मेडिसिन को 15 मिनट की गैप से खाने से पहले, या एक बार लीजिए शाम में। दोस्तों काफ़ी अच्छे मदद करते हैं ये तीनों मेडिसिन स्कैल्प पे जो डैंड्रफ बनते हैं, कुरूसी बनते हैं, उसको ठीक करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ दोस्तों अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, आज नहीं तो कल रिप्लाई कर ही देता हूँ। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश और मस्त रहिए।